उत्तराखंड से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पुष्कर सिंह धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पार्टी सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री धामी ने दास के निधन पर गहन संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का आकस्मिक निधन हो गया। धामी सरकार में दास के पास समाज कल्याण और परिवहन विभाग का प्रभार था। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन राम दास के आकस्मिक निधन के समाचार से मैं स्तब्ध हूँ। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों और उनके समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। वहीं उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। इसके साथ ही राज्य में सभी सरकारी दफ्तरों में तिरंगे आधे झुके रहेंगे। सरकारी आदेश के मुताबिक मंत्री का अंतिम संस्कार पुलिस सम्मान के साथ किया जाएगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।